हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई अपडेट के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो अपडेट आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से ये अपडेट रहने वाली है। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर हमने बीटेक कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, आईटीआई कर लिया है, लेकिन हमने बुकिश नॉलेज को ही गेन किया है, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से बहुत बढ़िया स्किल सीख सकते हैं और बहुत कम पैसों में आप स्किल को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप यहाँ से कोर्स कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपकी जॉब लग जाएगी कोर्स ख़त्म करने के बाद। तो मैं आपको एक सही सजेशन दे रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स को कोई भी कर सकता है और ये कोर्स रहेगा बेसिकली आपकी टेक्निकल स्किल को डेवलप करने के लिए। जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपको पावर प्लांट में कैसे काम करना रहता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कैसे रहता है, उसके अलावा यहाँ पे ऑटो कैड का कोर्स दे रखा है, उसके अलावा सोलर पीवी सिस्टम का कोर्स दे रखा है, पावर प्लांट डिज़ाइन का कोर्स दे रखा है और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप कोर्स को यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस कोर्स को मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर रखा है तो भी कर सकते हैं, बीबीटेक कर रखा है तो भी कर सकते हैं। कोर्स ख़त्म करने के बाद मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपकी जॉब लग जाएगी पावर प्लांट के अंदर, ऑयल एंड गैस प्लांट के अंदर, या फिर जो भी आप प्लांट का कोर्स करते हैं उसमें आपकी जॉब मैक्सिमम चांस में लग जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है वो आपका रहेगा 1200 प्लस। आपको लाइक करवा देने, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बिना कंजूसी किए और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना और कौन सी लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाती है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ऑफिशियली वेबसाइट पे। इनके जो मेंटर्स रहते हैं वो आपको पूरा डिटेल में बताते हैं और आपको यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। आप अपने हाथों से जब काम करेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि इंडस्ट्री कैसी है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है और ये कोर्स बड़े टाइम पीरियड का नहीं रहता, इसमें आपका कोर्स का टाइम पीरियड रहता है 21 डे। 21 दिन के दौरान आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, लगभग 7-8 घंटे की पर डे की क्लास लगती है और इसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है और आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कोर्स करने का फ़ायदा ये रहता है, एक तो बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, पहला फ़ायदा ये। और यहाँ से अगर आप कोर्स कर लेते हैं और आप अपने रिज्यूमे में अगर मेंशन करेंगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, रिज्यूम यहाँ पे आपका बढ़िया लगता है और आपको इंडस्ट्री का नॉलेज रहता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो भी आप यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं तो आप यहाँ पे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, जैसे कि आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, तो आप यहाँ पे इस पे जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आईटी होल्डर हैं तो यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3-4 टाइप के यहाँ पे कोर्स हैं, वन बाय वन मैं आपको सभी के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बीबीटेक वालों के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आईटी वालों के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनके लिए कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पे जो कि आपका रहेगा, ये कोर्स रहेगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको बहुत टाइप के कोर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सोलर पीवी का प्लानिंग एंड इंस्टॉलेशन का कोर्स मिल जाता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग का कोर्स मिल जाता है ऑनडम के अकॉर्डिंग, जिसमें मैकेनिकल वाले ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स को आप अच्छे से देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच वाले यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रोटेटिंग इक्विपमेंट के लिए कोर्स मिल जाता है, बहुत डिमांड है इस कोर्स की, जिसमें मैकेनिकल वाले ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे
कंप्रेसर का ऑपरेशन मेंटेनेंस का कोर्स मिल जाता है, इसमें भी मैकेनिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका रहेगा बियरिंग सिलेक्शन मेंटेनेंस टर्बल शूटिंग का कोर्स मिल जाता है, पंप्स का कोर्स मिल जाता है ऑपरेशन मेंटेनेंस का, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं इतने सारे कोर्स यहाँ पे रहेंगे। स्विच गियर का भी यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया गया, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स यहाँ पे है, HV एंड EV का भी कोर्स है, डिज़ाइन का भी कोर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को अच्छे से देख सकते हैं और ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिप्लोमा और BBTech वाले कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये तो रहे यहाँ पे आपके लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, BBTech कर रखा है, बाकी यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है सेफ्टी का भी कोर्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। उसके अलावा बात की जाए अगर कि अगर आपने IT कर रखा है तो कौन कौन से कोर्स रहेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IT वालों के लिए अलग अलग टाइप के कोर्स हैं। फिटर में कर रखा है, मैकेनिकल में वेल्डर का कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वायरमैन का कोर्स है, आपका इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। सोलर PV इंस्टॉलर का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग का कोर्स आपको देखने को मिल जाता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम रहेंगे, तो जो यहाँ पे लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे सेफ्टी का भी कोर्स देखने को मिल जाता है, हाइड्रो पावर स्टेशन का ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर कोर्स देखने को मिल जाता है, सोलर PV सिस्टम इंस्टॉलेशन का कोर्स देखने को मिल जाता है, और भी अलग अलग टाइप के कोर्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फीस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वाला जो कि आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो यहाँ पे दे रखा है इसको आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा। आपको अपना फुल नेम लिखना है, आपकी DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको डाल दीजिएगा, आपका जेंडर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएट का, अगर आपने BBTech कर रखा है तो उसको फिल करेंगे, डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको फिल करेंगे, IT कर रखा है तो आप इसको फिल करेंगे, अगर आपने 12वीं कर रखा है तो आप इसको फिल करेंगे, अगर आपने 10वीं कर रखा है तो आप इसको फिल करेंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो 10वीं 12वीं IT डिप्लोमा BBTech सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के टाइम में मेरे भाई स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप टेक्निकल इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, स्किल के बिना जॉब मिलना बहुत मुश्किल रह जाता है, ठीक है। तो आपके पास स्किल होनी चाहिए और यहाँ से आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ BBTech वालों के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल के अंदर है, तो अगर आप जिसमें फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल आएगा और वहाँ पे बोला जाएगा कि आपको किस इंडस्ट्री में जाके काम करना है। जैसे कि आप मैकेनिकल में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में जा सकते हैं, अदर यहाँ पे आप अपनी सॉफ्ट स्किल बेसिक IT सेक्टर में भी जा सकते हैं, उसका भी कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑटोमेशन में जा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि सोलर है, वाइंड है, इसमें भी जा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटर पे जाके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर अवेलेबल हैं, जैसे कि मुंबई का है, ठीक है, झारखंड का है, गुजरात का है, ये भी झारखंड का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक सेंटर को यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे झारखंड के सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर कोड दे रखा है ये वाला, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे आपको फिल कर देना है, फिल करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका सबमिट होगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर इनकी तरफ से कॉल आएगा और वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल का फिल किया है तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे वो सारे कोर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इस कोर्स करने के बाद आपको क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो वह सारी चीज़ आपको बता देंगे, टाइम पीरियड क्या रहेगा उसके बारे में भी आपको बता देंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कुछ पूछना रहता है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।